तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वंदे इंडिया न्यूज। आज हम लाए हैं आपके लिए एक और मज़ेदार वीडियो मेजर गौरव आर्या और आरजू काजमी की। तो चलिए देखते हैं मज़ेदार वीडियो। कह रही थी कि चौधरी साहब जैसे कह रहे हैं कि भारत ने साजिश की पाकिस्तान में, तो क्या उसके ऊपर ही मैं पूछ रही थी कि क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ है कि कुछ गड़बड़ भारत की तरफ से पाकिस्तान में की गई। आरजू जी, दुश्मन का काम होता है साजिश करना। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारे खिलाफ करे। हम आप देखिए, और साजिश के लिए जहीन दिमाग चाहिए। कोई बेवकूफ आदमी साजिश थोड़ा करेगा, साजिश के लिए दिमाग चाहिए। तो अगर हम ये मानते हैं, जैसे चौधरी साहब भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, ठीक है, नफरतें नहीं होनी चाहिए। आई एग्री विद चौधरी साहब, मैं उनकी बात की इज्जत करता हूं। पर अगर हम मानते हैं कि हम दोनों दुश्मन हैं, फिर पाकिस्तान हमारे खिलाफ करेगा, हम पाकिस्तान के खिलाफ करेंगे साजिश। और क्यों नहीं, क्यों नहीं? मतलब दुश्मनी का तो मतलब ही यह है ना कि जहां हमें मौका मिलेगा। अभी देखिए, मैं आपको दो तीन बातें बताता हूं। मैं आपकी शो में एक बार पहले भी बोल चुका हूं जी, ये जो पाकिस्तान में जो इकोनॉमी की हालत खराब है आईएमएफ के चलते, या पाकिस्तान एफएटीएफ में है, ठीक है, ठीक है, पाकिस्तान में पहले से होता रहा है, और मैं खान साहब को भी ब्लेम नहीं करूंगा, पहले से होता रहा है। तो इसमें हर एक पाकिस्तान की जो सरकार है उसका थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। इसमें खान साहब का भी रहा है, नवाज शरीफ का भी रहा है, जरदारी का भी रहा है, शहबाज सबका, और मुशर्रफ टाइम से। मुशर्रफ टाइम पे थोड़ा सा स्टेबल मामला था, क्योंकि वहां से डॉलर आ रहे थे, क्योंकि वॉर ऑन टेरर चल रहा था। और जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूं, पाकिस्तान की इकोनॉमी, अगर कोई पाकिस्तान का इकोनॉमिस्ट मुझे यह बता दे कि मुशर्रफ साहब के टाइम पे इकोनॉमी क्यों अच्छी थी, क्यों अच्छी थी वो मैं जानता हूं। अयूब खान साहब के टाइम पे अच्छी थी वो मैं जानता हूं, क्यों अच्छी थी ये मुझे लिख के कागज में बता दे, मैं मान जाऊं। बात यह है कि सिएटो सेंटो में जवाब रहेंगे, या फर्स्ट अफगान जिहाद जो हुआ था जब जियाउल हक साहब आपके प्रेसिडेंट थे और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो डॉलर्स वहां पे आ रहे थे। ऐसा नहीं था कि उस जमाने में पाकिस्तान बहुत जबरदस्त एक्सपोर्ट कर रहा था और 100 अरब के और 200 अरब के आपके हर साल एक्सपोर्ट जाते थे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पर पाकिस्तान का जो डेट टू जीडीपी रेशियो था वो अच्छा था, पाकिस्तान की इकोनॉमी भारत से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी एक जमाने में। ये सच बातें हैं और हमें सच की तरह ही बोलना चाहिए। पर उनके पीछे वजूहात क्या थी? अगर स्ट्रक्चरली एफिशिएंट होती पाकिस्तान की इकोनॉमी, तो आज की तारीख में पाकिस्तान को यह नहीं देखना पड़ता। हाँ ठीक है, करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है, ये सब है। ये एक मैं बात बताऊं, पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं ना हमारे मुल्क में करप्शन है, क्या इंडिया में नहीं है करप्शन? इंडिया में नहीं है करप्शन, चाइना में नहीं है करप्शन, अमेरिका में नहीं है करप्शन, पाकिस्तान में तो पैसे ही बहुत थोड़े हैं, करप्शन कितना होगा? अच्छा, एक और चीज लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट करी, इसलिए साहब नवाज शरीफ बड़े अच्छे दोस्त हैं। वो बेचारे के पास पैसा ही नहीं है कुछ, उसके पास 3-4-5 अरब डॉलर हैं, उसी को पता नहीं क्या समझते हैं कि पता नहीं कौन से सुरखाब के पर उसके पास आ गए। यहाँ पे तो 50-50, 100-100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रही, तब कोई नहीं पूछ रहा। तो ऐसी बात नहीं है। देखिए, जहां तक साजिश की बात है, बिल्कुल, तो ये आपका एफएटीएफ की जो बात है, एफएटीएफ की बात, उसमें भारत का बिल्कुल हाथ है। और मैं आपकी शो पे बोल रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, जो आपको आईएमएफ से प्रॉब्लम हुई है, और भारत करेगा, और क्यों ना करे। आप लोगों ने नारा दिया, भारत ने कभी मना तो नहीं करा ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो देखिए साहब, आप हमें दुख देंगे, हम आपको दुख देंगे, और ये काम चलता रहेगा, ये काम चलता रहेगा। ये लश्कर ए तैयबा है, ये जैश ए मोहम्मद है, ये हिजबुल मुजाहिदीन है, ठीक है, वो एक तरफ आपकी तरफ से है, हमारी तरफ से क्या है? हमारी तरफ से एफएटीएफ है, हमारी तरफ से आईएमएफ है, हमारी तरफ से अमेरिका है, वो चलता रहेगा, ये गेम चलता रहेगा। इसमें ना हमें बुरा मानना चाहिए, ना पाकिस्तानियों को बुरा मानना चाहिए। आप आना पसंद करेंगे, चौधरी साहब ने कहा है, और आप भी थोड़ा सा बता देंगे कि क्या डेवलपमेंट हुई है आपकी साइड पे, एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि वो पॉसिबल होगा। मुझे तो आरजू जी, आज चौधरी साहब से बात करके मेरे इल्म में इजाफा हुआ है, मुझे दो तीन चीजें पता लगी हैं। मुझे ये पता लगा कि औरंगजेब सबसे अच्छा बादशाह था, बड़ा अच्छे थे मुगल, लोधी ये बहुत अच्छे लोग थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो एक तो मुझे ये पता लगा, दूसरी चीज चौधरी साहब ने की और भी चीजें बताई। मुझे नहीं पता था कि 3-3-4-4 एयरपोर्ट हैं, आप जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं और लोग यूके बोलते हैं। सर, मैं कह रहा हूँ, मुजफ्फराबाद का कह रहा हूँ। सर, मैं कह रहा था मुझे नहीं पता था सर, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था। आपने इल्म में इजाफा करा सर, ज्ञान में हमारी बढ़ोतरी करी, उसके धन्यवाद आपका। तो ये इशू है सर। अच्छा, मैं आपको ना एक दो बातें बताता हूँ। देखिए, ऐसा है कि मैं उस चीज में नहीं जाऊंगा कि मुगल कैसे थे या मुस्लिम रूलर्स कैसे थे, देवर अनइनवाइटेड, किसी ने उनको ये नहीं बोला कि आप भारत आइए। लुटेरे थे,
लूटने के लिए आए थे, लूटा मारा काटा, ठीक है, और उनको किसी ने बताया नहीं था कि भैया आप आइए, आपकी जरूरत है यहाँ पे। ये गजनवी थे, जो गौरी थे, जो और लोग थे जो अफगानिस्तान से आए, सेंट्रल एशिया से आए, आए क्यों? किसने उनको बुलाया? आप किसी के भी घर में घुस जाएंगे और क्योंकि आपके पास तलवार है किसी की भी गर्दन उतार देंगे, और पूरी एक गांव के गांव को आपने वहां पे कन्वर्ट कर दिया। पर चलिए, जिन्होंने औरतों के साथ रेप करा, जिन्होंने बुजुर्गों को मारा, जिन्होंने गले उतारे, वो अच्छे लोग थे, तो इसके बारे में मैं कुछ कहूंगा नहीं, मैं चौधरी साहब की बात नहीं काटूंगा, अच्छे लोग थे, औरंगजेब भी अच्छा था, फिर सभी अच्छे थे, अच्छे अच्छे लोग थे, सब दीज आर ऑल गुड पीपल। अच्छा, देखिए, जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, मेरा इल्म में एक और इजाफा हुआ, चौधरी साहब ने बोला कि एक एक घर वहां पे 80-80 करोड़ का है, तो ये तो फिर दिल्ली से महंगी प्रॉपर्टी है आपके, जो जिसको आप आजाद कश्मीर बोलते हैं ना, दिल्ली से महंगी प्रॉपर्टी है। और मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता था कि इतने महंगे मकान है, होंगे जरूर, हमारे यहाँ तो नहीं भाई, हम नोएडा में रहते हैं, हमारे इतने नहीं महंगे मकान है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे सारी सहूलियत है, लेकिन हो सकता है, इट्स हाईली पॉसिबल। नाउ सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जी बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं, अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि मेजर गौरव आर्या और आरजू काजमी ने बताया कि कैसे अगर पाकिस्तान हमें एक दुश्मन कि कैसे अगर पाकिस्तान हमें एक दुश्मन मुल्क मानता है, भारत से वह ज़्यादा उम्मीद ना रखे। साथ ही में मेजर गौरव आर्या ने मजे लेते हुए पाकिस्तानी पैनलिस्ट के बताया कि आपके कश्मीर में जो भी आप प्रॉपर्टी बता रहे हो और चार चार एयरपोर्ट बता रहे हो, तो इस हिसाब से ये प्रॉपर्टी तो दिल्ली से भी महंगी होगी, जो कि इस बात पर आरजू काजमी भी हंसने लगी। और साथ ही में उन्होंने बताया, साथ ही में मेजर गौरव आर्या ने यह भी बताया कि कैसे जो पाकिस्तानी है वो मुग़ल को एक अच्छा मानते हैं, जबकि वह ओनली खून खराबा और लूटपाट करने के लिए आए थे और सबसे बड़े लुटेरे थे, उनको किसी ने नहीं बुलाया था, वह तो अपनी तलवार के नोक पर गांव के गांव को कन्वर्ट कर दिया। और मेजर गौरव आर्या ने पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर भी बात करी, उन्होंने बताया कि अगर कोई बता दे मुझे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कब ठीक थी, पाकिस्तानी की इकोनॉमी हमेशा US के दिए हुए पैसों पे ही चली है। साथ ही में उन्होंने ये भी बताया कि अगर भारत से आप दुश्मनी करते हो तो आप जो कश्मीर के अंदर जो आतंकी संगठन लश्कर ए जैसे मोहम्मद जो भेजते हो, तो हमारी तरफ से भी IMF और जो बाकी लोग हैं जो आपको लोन देने में देरी कर रहे हैं वो है। और आरजू काजमी ने इसी बातों में मेजर गौरव आर्या को पाकिस्तान आने का निमंत्रण भी दिया, जिसके ऊपर वह कहने लगे कि आपके जो पाकिस्तान में एयरपोर्ट भी नहीं है और जो एयरपोर्ट है वो भी, और आगे में चौधरी जो कि पाकिस्तानी के पैनलिस्ट हैं उनकी टांग खींचते हुए बताते हैं कि जैसा कि चौधरी ने बताया कि वहाँ पर 30-80 करोड़ का है, तो इस हिसाब से तो वह दिल्ली से भी ज़्यादा महंगी प्रॉपर्टी हुई। और इसी बात पर आरजू काजमी भी हंसने लग गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और साथ ही में मेजर गौरव आर्या की ऐसी बेपाक और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। हम जल्दी मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत।